Hello guys, what's going on YouTube? This is Rohit here and I'm back with another advanced dance tutorial only for you on your NADS AD. Yes, advanced dance stuff. आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ज़्यादा जिस चीज़ का लोगों को इंतज़ार था दिल भर पे जो मैंने अर्बन हिप हॉप कोरियोग्राफी करी थी उसको ट्यूटोरियल का मैं लेकर आ गया हूँ. तो ये आज हमारा पार्ट वन रहेगा. हम लोग इसको दो पार्ट में करेंगे क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा एंड आप लोग को एक बार में जब आप लोग स्टेप्स करेंगे तो आप लोग को दिक्कत होगी. तो हम लोग पार्ट वाइज करेंगे. ओके, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं. चलिए, तो फ्रेंड्स हमारा जो पहला मूव है वो बहुत सिंपल है. हम लोग को बेसिकली ऊपर जाना है, टा टा टाट बीटाई टणंग टणंग टंग टणंग टणंग टणंग, तो इस टाइप से रहता है. तो हम लोग को वन छो ऊपर छो ऊपर एंड थर्ड काउंट में हम लोग को सिंपली जू जाओ एंड हमारे शोल्डर्स जो है ना वो अप एंड लूज लूज. ओके, आगे 5 6 7 8 वन टू डू हेड्स डाउन. मेक श्योर कि आप लोग का हेड्स डाउन हो बिकॉज जो नेक्स्ट स्टेप आने वाला है जिसमें हम लोग पैर से जो करेंगे इसमें आपको जो बॉडी है वो अप होगी जुक जुक. या तो एग्जैक्टली, तो हम लोग जैसे ही पैर से करेंगे हमारी बॉडी अप होगी. वन, मेक श्योर कि आपका पैर जो है वो स्टॉप नहीं होना चाहिए एंड अगेन जब वो टैप करेगा तो दिस टैप में आपका हैंड जुक हैंड ऊपर. यस एंड थर्ड अगेन जैसे वो पैर अंदर आएगा वो क्लोज. दैट्स ओके. आगे 5 6 7 एंड वन टू डू वन टू टू थ्री सुपर. ना तीन बार हम लोग को ये करने के बाद उठना है जक, फिर हमें करना है वो टी शर्ट से राइट, वो टी शर्ट से लेफ्ट. डन. देखो मेरे को टी शर्ट से खेलना बहुत पसंद है. ये मेरा एक पर्सनल लोगो स्टाइल भी बन चुका है, बहुत लोगों को पसंद भी आता है. तो मैं टी शर्ट से बहुत खेलता हूँ. ठीक है, तो आपको भी खेलना है अभी. तो हम लोग कर रहे हैं जिक जिक. इतना करने के बाद जैसे ही आप ये सेकेंड वाला छोड़ेंगे आपका लाइक ढूंढ ये लगना चाहिए. तो अगेन वन टू एंड राइट लेग आपका टू. ध्यान दीजिए कि ये एक बार में स्टॉप नहीं होना चाहिए, ये ओरिजिनल लगना चाहिए, हिलना चाहिए. इतना करने के बाद आपको राइट साइड नहीं जाना है, आपको सिंपली अपना लेफ्ट लेग से वुप पैर को ऊपर लेके आना है. देन अभी हम लोग जंप करेंगे और आपको ध्यान दीजिए कि हम लोग को ना अपने लेफ्ट लेग पर ही जंप करना है एंड राइट लेग जो है वो ऊपर ही रहेगा. जस्ट हम लोग ऐसे शो करेंगे पैर 5 6 7 वुप जंप. या तो आपने नोटिस किया होगा कि मैंने अपने राइट लेग को सामने रखा है एंड लेफ्ट लेग पर जंप. या तो हम लोग को ऐसा लगेगा कि हमने करा झुक झुक होल्ड एंड जंप. और जंप करने के बाद हम लोगों ने ऐसे पकड़ रखा है अपनी टांग को. ओप ओप, तो हम लोग टांग को पकड़ रखा है. अब हम सिंपली टांग को छोड़ेंगे एंड जैसे ही जोड़ेंगे तो टांग वोप आगे जाके राइट स्टेप एंड बूम हो जाएगी. तो ऐसा लगेगा झुक 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 धूम. ओके, मैं पता है अभी स्लो करने के दिखा देते हैं मैं आप लोग को एक बार स्लो करके. तो हम लोग ऐसे राइट वन टू थ्री. या लिटिल बिट ऑफ रोबोटिक्स एंड जैसे ही हम लोग इधर आएंगे हमारा जो हैंड है वो ऊपर आ जाएगा ऐसे. या मेक श्योर कि ये वाइब्रेशन रहना चाहिए, अगर ये वाइब्रेशन नहीं होगा मज़ा नहीं आएगा. ओके चलिए, तो यहाँ से एक बार करते हैं. सो रेडी 5 6 7 एंड जुक 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 बूम. या नाउ इसके बाद आपने देखा ही होगा, अगर आप लोगों ने मेरी कोरियोग्राफी देखी है दिलवर वाली तो थोड़ा बहुत बैले भी करा है हम लोगों ने. तो हम लोग बैले करेंगे. सबसे पहले आपको ध्यान देना है ये बैले के बेसिक्स नहीं बताऊंगा मैं आपको. जैसे आप देख लीजिए स्टेप क्या है. हम लोग को सिंपली जो अपना जो राइट लेग है, ओके अभी आप सामने से देखिए, अभी आप लोग को जो राइट लेग है सिंपली हम लोग को टुक उसको ऊपर झुक करना है. इतना करने के बाद हम लोग अपना जो लेफ्ट लेग है वो ऊपर झुक ऊपर करेंगे. तो वेट टिक टिक वेट ऊपर जाएगा वन टू. इतना करने के बाद हमारा जो ये कमर है हम लोग उसके पीछे हिट करना है झुक लाइक दैट. तो ये वन टू थ्री. अब पीछे हिट करने के बाद आपका चेस्ट आगे रहना चाहिए. मुझे पता है आप लोगों को ये पोजीशन अच्छी नहीं लग रही है, मुझे भी नहीं लग रही है, पर क्या करें, करना पड़ेगा ना. अब आपको ये अपना जो है ना ऐसे बैंग करना है झुक आगे बैंग. तो ये फोर काउंट्स नीचे हैं एंड फिफ्थ काउंट जो है वो चेस्ट का है. तो हम लोग को ये शोल्डर को बैक हिट करना. तो ये हमारा फिफ्थ काउंट होगा. तो बेसिकली देखने में एक बार आप सामने देख लीजिए तो हमारे काउंट है वन काउंट टू काउंट थ्री काउंट फोर एंड फाइव. तो टक 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 अभी टिक 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 टिक. ओके,
मुझे पता है बहुत लोग से थोड़ा दिक्कत होगा, बहुत लोग को ये इस पे कंट्रोल लाना, बट आप प्रैक्टिस करेंगे तो डैम श्योर आप कर जाएंगे। तो अभी हम लोग इधर है, तो हम लोग करना है 1 2 3 4 एंड जैसी फिफ्थ काउंट हुआ तुम अंदर जाता है, तो हम लोग को ऐसे दिखाना है कि हमारे चेस्ट पे किसी ने पंचर करा है। बूम, लेफ्ट स्टेप एंड राइट स्टेप, ऐसे ध्यान दीजिए इसमें हमारा जो राइट लेग है वो ऊपर जाएगा एंड राइट लेग मूव चेस्ट ऐसे, तो ये ऐसे लगेगा ऊपर। नाइस। नाउ इतना करने के बाद अभी हम लोग को करना है राइट लेग एंड लेफ्ट लेग को दोनों को मूव करना है एंड हैंड्स को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है, राइट हैंड ऐसे जुक एंड जुक, तो ऐसे लगेगा जुक जुक। एंड आप लोग नोटिस करा होगा कि मेरा हेड भी राइट हैंड के साथ मूव करता है। ओके, तो यहाँ से करते हैं चेस्ट लेफ्ट स्टेप राइट स्टेप अप नाउ हैंड्स जूम। नाइस। इतना करने के बाद हमें सर्कल बनाना है एंड जैसे सर्कल बनाएंगे इसके साथ आपका राइट स्टेप भी आ जाएगा, तो ऐसे लगेगा। अब इसके साथ अगर आप इसको थोड़ा और अच्छा करना है तो आप इसके साथ जंप ऐड कर दीजिए। तो कैसे जंप होगा? लेफ्ट राइट सिंपल घोड़ा स्टाइल। रेडी 5 6 7 एंड जूप बूम। नाइस। इतना करने के बाद बहुत सिंपल, हमें अपने हैंड्स को जूप डाउन करना है एंड अब हम पुल करेंगे या तो अब हम लोग को हिट करना है। तो अभी हमारे हैंड्स इधर है, हम लोगों ने खींच लिया ना। इतना करने के बाद हम लोग को हिट करेंगे जूप एंड हैंड्स सामने, याद रखिए कैसे जूप सामने। एंड आपने मेरी बॉडी भी देख रहे होंगे आगे पीछे मूव हो रही है। ओके 5 6 7 1 बैक 2। इसके बाद हम लोग को सिंपली राइट बैक एंड लेफ्ट बैक एंड जैसे हम लोग लेफ्ट बैक करेंगे यो यो, जैसे आप लोग लेफ्ट बैक करेंगे आपका जो राइट लगेगा वो धीरे 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 पास में जाएगा। ओके चलिए, तो हम लोग यहाँ से करते हैं 5 6 7 1 2 3 4 5 6 या गुड। ना इतना करने के बाद बहुत सिंपल स्टेप है, हम लोग को अपने लेफ्ट लेग और राइट लेग को इंटर स्विच करना है, मतलब ऐसे चेंज करेंगे। यस एंड जैसे चेंज करेंगे आप लोग बॉम बूम आपकी गर्दन को नीचे मारना है ऐसे जब इतना मारेंगे लेफ्ट लेग आगे रहेगा एंड इसके बाद हम लोग एकदम टक कर लेंगे अपने आप को, जैसे टक करेंगे तो जूम स्पिन बन जाएगा। तो स्पिन करने के बाद आप लोग को क्या करना है, सिंपली यहाँ से आप लोग को राइट लेग एंड लेफ्ट लेग ऐसे जंप कर रहे हैं एंड हैंड को स्ट्रेट, तो ऐसा लगेगा जूम एंड स्ट्रेट। करने के बाद वो देखने की कुछ लिरिक्स आते हैं याद नहीं, तो अब हम लोग को अपनी जो बॉडी है उसको मूव करना है टू द राइट एंड अपने हैंड को उसके साथ मूव करना है। ओके रेडी 5 6 7 यस। ऐसे मूव करने के बाद हम लोग को सिंपली अपने हैंड को घुमाना है एक अच्छा सर्कल राइट साइड पावर कामयाबी अटैक हैंड करना है ना। जैसे ये करेंगे आपका जो लेफ्ट लेग है ऊपर आ जाना चाहिए, देखिए ध्यान से नोटिस माय राइट लेग, नोटिस माय सॉरी लेफ्ट लेग नहीं राइट लेग रियली सॉरी एक्सक्यूज मी। ओके ना हम लोग को करना है हैंड, जैसे सर्कल बनाएंगे हमारा राइट लेग अप, हम इसे पुश करेंगे और हमारा जो लेफ्ट लेग है चेंज हो जाएगा, तो ऐसे जुप बूम। नाइस। ना चेंज करने के बाद हम सिंपली अपने हैंड्स को आगे हिट करने हैं, अभी वेव बनेगा जूम 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 या वेव बनेगा। तो कैसे करेंगे हम लोग सिंपली राइट साइड लेफ्ट साइड राइट साइड लेफ्ट साइड, कोशिश ये करें जो आपका शोल्डर वाला पार्ट है वो ज़्यादा मूव ना करे। ओके रिस्ट ज़्यादा सुख 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 तो चिक 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 हाथ से लगेगा ना। इतना करने के बाद हम लोग को ना अपनी कमर से दोबारा से बैले करना है, दिस टाइम हम लोग फ्लो वाला बैले करेंगे, हिट्स नहीं करेंगे, हिटिंग नहीं करेंगे। तो इतना जैसे हम लोगों ने करा हमारा जो मूव होगा वही देखो सिंपल स्टेप यही है बैले के लिए, मैं पूरा बेसिक नहीं बता रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको उतना बता रहा हूँ जितना आप इस पर इसी डांस में कर पाए। तो हम लोग को सिंपली टो लेफ्ट टो देन राइट टो लेफ्ट टो देन राइट टो, अब ना इसको प्रिसाइज करने की कोशिश करिए मूवमेंट ऐसे डाउन 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 डाउन, तो प्रिसाइज जितना करेंगे ना लेफ्ट राइट डाउन ठीक है। तो हम लोग ये करेंगे, तो अभी हम लोगों ने वेव करा, जैसे ही वेव करेंगे टुक अब ये यहाँ पर तक हमारी कमर तक हमारा हैंड गया, अब हमारी कमर भी फ्लो करेगी तो जुक 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 झुक यू यस नाउ वेव करके नीचे चलेगी। जैसे ये वेव करके नीचे गई दिस टाइम हम लोग को अपने हैंड से पुल करना है एंड जैसे ही पुल करेंगे तो नोटिस माई राइट लेग जुक बैंड होगा डाउन जुक जुक। नाइस। डाउन करने के बाद हम लोग अपने हैंड्स को जुक करना है एंड जैसे जुक करेंगे तो अब हमारे जुक जंप करेंगे, हैंड्स में गन पकड़ेंगे एंड इधर टू हिट करना है। यस यस। तो वेयर बार से 5 6 7 जुक 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 चिक 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 जुक 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 पु पु पा ओ कूल। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट में आप लोग के लिए एक सरप्राइज है एंड इसको लास्ट तक
ये वीडियो जरूर देखें। ओके ओके नाउ फ्रेंड्स, जैसे ही हम लोगों ने गन गन को शूट करा, वैसे ही अब हम लोग को जो लाइफ फ्लैग है उसको भी हिट करना है। इसके साथ आपको हैंड जुप हिट करना है गर्दन के साथ। यस, ना जैसे ही हिट करेंगे ना उसके बाद हम लोग जुप सामने आ जाएंगे, टू द लेफ्ट मूव करेंगे। नाउ हमें करना राइट स्टेप एंड हैंड को होप सिंपली। नाउ लेफ्ट स्टेप आगे आ जाएगा, राइट साइड पे वेट हो जाएगा। नाउ राइट अप एंड हैंड्स लाइक दैट। यस, दोबारा से करते हैं, समझ में आएगा कितने काउंट्स है। वन राइट, टू, थ्री एंड पुश। इसको तेज करके देखेंगे एक बार, 5 6 7 है। लग रहा है ना सुपर कूल? यस है। ओके, जैसे ही हम लोगों ने करा तो इसके बाद हमारी जो बॉडी है वो हिट करके पीछे की तरफ जाएगी, ठीक है। एंड हिट करने के बाद जैसे पीछे जाएगी हमें करना है लेफ्ट राइट एंड ये लेफ्ट लेग ओवर 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 एंड लेफ्ट। एंड आप लोग मेरी बॉडी स्ट्रक्चर देख रहे होंगे कि मेरा राइट हैंड ऊपर की तरफ एंड लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ। तो ये एक बार कैसे होगा, 5 6 7। तो हम लोगों ने करा जूप वेव लेफ्ट राइट लेफ्ट। तेज के एक बार करके देखते हैं, 5 6 7 जूप लेफ्ट राइट लेफ्ट। यह ना जैसे हम लोगों ने ये करा, इसके बाद हम लोग को सिंपली अपने हैंड से ड ड ड ड ड सर मारने आना है। इसके बाद हमारा राइट हमारा जो लेग है वैसे 1 2 3 4 5 हम लोग ऐसे जिक 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 5 times करने के बाद हम लोग को सिंपली अपने हैंड से तेज एक बीट आती है उसको इधर पकड़ना होता है। या इतना पकड़ने के बाद अपने हैंड्स को हम लोग स्लिप करेंगे, खींचेंगे एंड जो राइट लेग है सॉरी राइट लेग जो आपका राइट लेग है वो खींचेगा एंड लेफ्ट लेग खींचेगा। ओके, हैंड 5 6 7 जक। नाइस, अगेन 5 6 7 हैंड सुक। जैसे खींचा आप लोगों ने, खींचने के बाद हम लोग को क्या करना है बहुत ध्यान से देखिएगा। हम लोग अपना जो राइट लेग है उसे पीछे लेके जाना है, हैंड्स आप लोग का ऐसे हो जाएगा जैसे कि आपके सामने कोई दीवार है। यस एग्जैक्टली, आपको ये सोचना है कि आपके एक वॉल आ गई सामने ना, आपको राइट लेग पीछे लेके जाना है एंड लेफ्ट हैंड राइट हैंड उसको खींचना है। देखिए यहाँ पर बहुत लोग को प्रॉब्लम होगा। यस, टेक्निक मैं आप लोग को बता सकता हूँ। टेक्निक इज दैट कि अपना वेट हो जितना हो सके पीछे रखने की कोशिश करें एंड आप लोग का जो ये जो लेग है ये खींचे आप लोग को बॉडी की तरफ एंड जितना हो सके आपको अपना लेफ्ट लेग का बहुत दम लगाना है क्योंकि यही है आप लोग का लिफ्टिंग लेग। तो हम लोग को लिफ्ट करना है 5 6 7 लेफ्ट। ओके, तो हम लोग बहुत सिंपल है, हम लोग ने खींचा जुप, खींचने के बाद हम लोग को राइट लेग बैक एंड हमारा पोजिशन। जैसे ही हम लोगों ने ऐसे करा हमारा जो लेफ्ट लेग है वो पीछे जाएगा एंड हैंड रिवॉल्व करेगा, ये ऐसे हिट करेगा एंड जैसे हिट करेगा तो एक बीट आएगी एंड आपका पैर जो होगा वो ओपन हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने करा हैंड्स आएगा, हैंड खुल जाएगा। तो ये ऐसा भी लगने वाला है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो हम लोग ऐसे रहे ऊप हैंड्स क्लियर तेज टू टू। यस, इतना करने के बाद इंटरेस्टिंग स्टेप आपको अपना ये जो पॉइंट है रिवॉल्विंग पॉइंट, यस आपको अपने हैंड से घुमाना है एग्जैक्टली। तो हम लोग ऐसे हैंड देंगे जुप घुमाना है एंड खींचना है एंड जैसे खींचेंगे मेक श्योर कि आपका राइट लेग जो है वो पीछे चला जाए खींचने पर। यस, खींचने पर देन हम लोग अपने जो हैंड है वो चेंज करेंगे जुप हैंड चेंज जुप ऊपर। तो अभी एक बार कर ले हमें भी दे रहा तो लेग जुप हैंड जुक ठक रिवॉल्व खींचना है खींचना है। अभी देखिए मेरा पंच बना हुआ है एंड आप चाहे तो जूफ हैंड ओपन ब्रूम। जैसे हैंड करा उसके बाद हम लोग को झटका मारना है, उसको पीछे खींचना है और इसके साथ अपने जो स्टेप है जो आपका राइट लेग है उसे आगे फेंक देना जूफ स्टाइल। तो रेडी 5 6 7 बूम। यस, जैसे ये स्टाइल करा आप लोगों ने इतना, जैसे ही हम लोग आए आपको इसके बाद अपना जो हैंड है ना उसको अंदर से बाहर की तरफ राइट लेग अभी ऊपर होगा एंड जूफ करना है, ऐसे घुमा के राइट हैंड इधर आ जाएगा एंड जैसे ही ये होगा तो आपको किक बॉल चेंज करना है। मैं किक बॉल चेंज बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत सिंपल स्टेप है किक बॉल चेंज एंड इसका स्टेप जुक जुक जुक। यस, ना इतना करने के बाद हम अपने हैंड खींचना है देन राइट किक इसके बाद जू नेक आपको लेके जाना है चिन के साथ ना हैंड्स पकड़ना है हैंड्स डाउन धू ओपन करना है ना। जैसे ही ओपन करा अब आपको अपने पैरों को खोलना है एंड अब आपको अपने पैरों को खोलना है एंड राइट साइड जो आपका जो राइट लेग है उधर वेट डालना है सका एंड टा दिल भर तुमसे मिलने की बात दिल भर इस तरह से होगा। तो हम लोगों ने ये करा ना इसके बाद करनी है एक और बीट आएगा तो उस बीट को हम लोग को दोबारा ग्रैब करना है। दिस टाइम आपको अपना सिंपली लेफ्ट लेग जो है ना उसे किक करना है एंड जंप करना है एंड जैसे किक जंप करेंगे उससे पहले आपको अपना हैंड को थ्रो करना है जुप टा 5 6 7 जुप।
ना इतना करने के बाद हमें करना है राइट लेफ्ट, ना इतना करने के बाद हम लोग अपने हाथ से सर्कल बनाया, जिस सर्कल बनाएंगे लेग पास में वो, एंड अभी हम लोग को करना है जुप राइट लेग एंड ओपन गुड। ना इतना करने के बाद हम लोग सिंपली सर्कल बनाएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एक बार और आप लोग देख लीजिए तो कैसे करना है, तुमसे मिलने के बाद दिल बढ़, यस। तो हम लोग को ये देखो ये स्टेप कैसे करना है, ये स्पिन कैसे करना है आप लोग वो देख लीजिए। आज हम लोग स्पिन तक करेंगे ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट होगा हम लोग रेस्ट जो रैप वाला पार्ट होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हम लोग कैसे करना है, सिंपली आपको राइट लेग लेके जाना है, अब हम लोग स्पिन करेंगे अपने, मेक श्योर कि आप लोग के दोनों लेग साथ में जितने पास होंगे ना उतना अच्छा स्पिन होगा, याद रखिए जितने दूर स्पिन नहीं होगा भाई, जितने पास स्पिन या। तो हम लोग स्पिन करेंगे एंड एग्जैक्टली दो स्पिन बाद हम लोग को अपनी बॉडी को ना नीचे लेके जाना है। देखिए बहुत स्लो में देखिए, हम लोगों ने जैसे करा जुक जुक दिल भर क्रॉस करना है एंड दो स्पिन ऊपर एंड थर्ड स्पिन में नीचे जाना है एंड नीचे जाने के बाद सदा जंप करना है। तो एग्जैक्टली आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करिएगा। तो हम लोग करना है जुक जुक एंड क्रॉस स्पिन स्पिन थर्ड स्पिन डाउन जा ठीक है। तो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ तेज, 5 6 7 एंड तुमसे मिलने के बाद दिल, शायद मैंने 4 ले लिया कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स अब आ गया है वो सरप्राइज का वक्त जो मैं आप लोग को बोल रहा था बीच में ट्यूटोरियल के। सरप्राइज ये है आप लोग के लिए कि हम लोग एक कॉन्टेस्ट रख रहे हैं जिसके अंदर जो हमारे जो मैंने आप लोग को ये जो अभी ट्यूटोरियल सिखाया है इसको आप लोग जितना अच्छे से लर्न करके, जितना अच्छे से लर्न कर सकते हैं उतना अच्छे से लर्न करिए, इसका वीडियो शूट करिए एंड इसको मुझे भेजिए, मुझे मेल करिए advancedancestuff@gmail.com पर। किस पर? advancedancestuff@gmail.com पर। सब कुछ आप लोग को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग जरूर डिस्क्रिप्शन देखेगा। एंड जीतने वाला जो मुझे सबसे बेस्ट, जो सबसे बेस्ट मुझे लगेगा कि जिसने ये दिलबर डांस चैलेंज जीतेगा उसका जो मैं वीडियो होगा वो मैं डालूंगा अपने चैनल। अच्छे से प्रैक्टिस करिए एंड वीडियो शूट करिए, बहुत सिंपल काम है, वीडियो शूट करिए, भाई से करवाइए, बहन से करवाइए, जो भी आपके दोस्त हैं उनसे करवाइए, जल्दी से जाके जल्दी प्रैक्टिस करिए। क्या कर रहे हो आप, जल्दी चलो।